खोल के अंदर मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। तो मैंने कहा भाई खैरियत तो है, आज तो आप बड़े जोश खरोश के आलम में नजर आ रहे हैं। अच्छा, कह लगे यार तुम छोड़ो सारी बातें, पहले मिठाई मंगवाओ। अरे खैर, मैंने अपने वो पियोन उनको कहा कि जाके मिठाई लेके आओ। अच्छा, जब मिठाई आ गई और हमने मिठाई खा ली तो मैंने कहा भाई ये बताओ ये किस तकरीब में मिठाई है। सही। उन्होंने बड़े फखरिया अंदाज में अपनी ऊपरी जेब से एक चेक निकाला। अच्छा, कह लगे ये देखो आज मुझे ना आउटस्टैंडिंग का चेक मिला है। अच्छा, आबे का। अच्छा, अच्छा चेक देखा तो वो 22,800 रुपए का चेक था। कि उस जमाने में आज जहाँ लोग 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं ड्रामों के, जी जी, उस जमाने में वो 22,000 रुपए इतने खुश थे और हमें भी लग रहा था कि वो हो इतना बड़ा चेक लेकर ही आ गए। सही। तो इसलिए फनकारों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो जिन दो शख्सियात का मैंने जिक्र किया, जी जी, ये मेरा ख्याल है तमाम चीजों से बाला होकर अपनी फनकाराना जिंदगी में इतने मगन थे कि मैंने उन्हें कभी संजीदा या कभी कोई बहुत उदास देखा नहीं। सही सही, बहुत सही। ही मजेदार दोनों शख्सियत थी। अच्छा, आपकी मुलाकात ताहिरा नकवी से कभी हुई? जी बिल्कुल हुई ताहिरा नकवी से। कितनी खूबसूरत आर्टिस्ट ताहिरा नकवी। रेडियो पर अलावा ड्रामों के अनाउंसमेंट भी किया करती थी 1-2 प्रोग्रामों के। अच्छा अच्छा, खूबसूरत दिलकश शख्सियत की मालिक थी। बहुत अगली उम्र में 25-27 साल की उम्र में फनकारा और बहुत खुश मिजाज खातून थी वो। वाह, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी थी। मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत हसीन वो बंदी लगती। और उसके साथ तो बड़ा मुझे यानी बहुत दिन तक तमाम ही लोगों को अफसोस रहा उनकी डेथ का, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र थी। जाहिर है की अभी उन्हें तो अभी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका दिखाने। हाँ, बोलिए बोलिए आप। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि एक और खूबसूरत फनकारा, वो भी काफी कम उम्र में चली गई, जिन्होंने पॉप म्यूजिक को पाकिस्तान में उसका आगाज किया, नाज़िया हसन। नाज़िया कैसा लगा? कैसा? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन एक और मैं फनकारा का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि माशाल्लाह ये दोनों जिनका आपने जिक्र किया बहुत ही हसीन जो है लड़कियां थी। हाँ। और फनकारा सलाहियतों में भी बड़े उरूज पर थी। सही। एक और खातून थी यहाँ कराची रेडियो पर, आपने नाम सुना होगा, टेलीविजन पे भी आती थी। जी जी। पर एक जमाने में उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी शक्ल जेबा से बहुत मिलती है। अच्छा, वो थी गजाला रफीक। गजाला रफीक, गजाला रफीक इंतहाई खूबसूरत आवाज की मालिक थी, खुद इंतहा खूबसूरत शख्सियत थी। उसका भी ये था कि बहुत ही मेरा ख्याल उधर कोई मेरा ख्याल उनकी 36-37 साल उम्र थी, उनकी भी अचानक डेथ हुई। एक आवा सिकंदर हुआ करते थे, वो भी लाहौर में थे। हाँ, आगा सिकंदर। अच्छा, बहुत अच्छे फनकार थे और उन्होंने बड़ा जल्दी बड़ा नाम कमाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्द वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन आप ये देखें कि एक हसन भाई के एक आम बंदा अगर अर्ली एज में चला जाए या कभी भी चला जाए तो किसी को खबर नहीं होती सवाए दोस्तों के और रिश्तेदारों के, लेकिन जो जो स्क्रीन पर आ रहे हैं कि आप ये देखें कि वो ऐसा लगता है वो हमारे ही रिश्तेदार हैं, हम इसी तरह ही बातें कर रहे होते हैं। सही बात। और जो भी उस जमाने में तो एक एडवांटेज भी था, क्योंकि सिर्फ एक टेलीविजन पीटीवी था, तो वाला अगर एक दफा भी उसकी अपीयरेंस आ जाए तो वो वैसे ही पूरे लाहौर में या कराची में मशहूर हो जाया करता था। बिल्कुल ऐसे ही था वो हर चीज। चूंकि मुझे याद है कि उस जमाने में पीर को जो है वो छुट्टी हुआ करती थी, तो लोग मुझे याद है इतनी बेचैनी से इंतजार करते थे कि कब मंगल आए, कल टेलीविजन दोबारा शुरू हो, और तिलावत कलाम पाक से लेके और कौमी तराने तक जी जो है वो लोग सामने ही बैठे रहते थे टीवी के। वाह क्या बात। वो उस वक्त लाइफ इतनी फास्ट भी तो नहीं थी ना। या, बहुत पुरसुकून लाइफ थी और हर चीज में आपको मजा आता था। अच्छा, उस जमाने में उस जमाने में आपको दिन भी बड़े बड़े लगते थे। सही, बिल्कुल आप सही कह रही है। अच्छा अच्छा, टाइम चुटकियों में मैं अब हैरान होता हूँ कभी कभी जब मैं अकेले बैठ के सोचता हूँ कि मैं उस जमाने में इतने काम कैसे कर लिया करता था। रेडियो सुबह एक प्रोग्राम होता था सूरज के साथ साथ, यास्मीन ताहिर एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थी लाहौर की, बड़ी खूबसूरत आवाज। अच्छा, उनके साथ मैं प्रोग्राम करता था। अच्छा अच्छा, उसके बाद मेरा अपना एडवर्टाइजिंग का दफ्तर था, मैं वहाँ चला जाया करता था।
अच्छा, दरमियान में मैं, मेरा ख्याल है जितने बड़े बड़े फंक्शंस होते थे उनकी मैं कंपेयरिंग किया करता था। वाह,